अच्छा ये जो सिटी घूम रहे हैं ये ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी राजाओं की सिटी है। पिंक सिटी 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह जी ने पिंक कलर दिया था। तो जी जयपुर के एक और फेमस प्लेस पे आ गए हैं, ये है जल महल। जल महल बेसिकली इसको क्यों कहा जाता है, एक तो ये चारों ओर से पानी से सराउंडिंग है और ऐसा बोला जाता है कि इसके दो फ्लोर तो हमें क्लियरली दिख रहे हैं और इसके एक या दो फ्लोर कोई श्योर नहीं है, कोई एक बताता है कोई दो बताता है, पानी के नीचे है और अभी इसकी मेंटेनेंस चल रही है और इस पर ना अभी जाना अलाउड नहीं है। 10 साल से इस पर जाना मतलब बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने और अभी किसी का कॉन्ट्रैक्ट किया है जो इसकी मेंटेनेंस पे काम कर रहा है, मे बी नेक्स्ट ईयर तक ये शायद ओपन होए। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि जल महल कैसा लग रहा है, और बहुत ब्यूटीफुल है शाम के टाइम पे और चारों तरफ पीछे पहाड़ है हरे हरे और चारों सराउंडिंग में सारा पानी है और बीच में है जल महल। तो जी ये है प्यारा सा गोल्डन कलर का जल महल और सनसेट हो रहा है और उस पर जो सनसेट की जो मतलब रोशनी आ रही है ना, मतलब लाइटिंग आ रही है ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये हमको जैसे दो फ्लोर हमको दिख रहे हैं और इसका एक या दो फ्लोर पानी के नीचे है, चारों ओर बड़ी सुंदर सी लेक सी बनी हुई है और सराउंडिंग्स में सारे अच्छे प्यारे से माउंटेन्स हैं। एक्चुअली अभी रेनी सीजन चल रहा है ना तो सारे माउंटेन्स ग्रीन्स हैं, बतख भी है और काफी सुंदर सुंदर डक्स वगैरह। तो बतख कितनी प्यारी लग रही है और होपफुली नेक्स्ट ईयर तक ये खुल जाए तो हम वहाँ पे विजिट कर सके, कितना सुंदर लग रहा है। मे बी बोट के थ्रू जाएंगे और देन फिर हम विजिट करेंगे ना। कितनी सारी डक्स हैं, बिल्कुल यार, देखो देखो देखो। लेक से बोलते हैं जल महल, राजा के समय से बोलते थे मान सागर लेक। अच्छा। ये पैलेस 3 फ्लोर्स का पैलेस है, ये गर्मियों में रेस्ट के लिए बनाया गया था। इस महल की विशेषता ये, इसके ऊपर जो पेड़ लगे हैं वो रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है, राजा के समय के टूटते हैं नए पेड़ आ जाते हैं। पानी बारिश का आता है जयपुर शहर ऊपर पेड़ है, बिल्कुल पानी बारिश का आता है, पानी अगर ज्यादा होता है पीछे डैम से पानी को बाहर निकालते हैं, बचे हुए पानी को खेती बाड़ी काम में लेते हैं। अच्छा। चारों तरफ से जो हिल्स है, अरावली हिल्स है राजस्थान में, अरावली हिल्स लगता है यहाँ से गुड़गांव होकर फरीदाबाद तक। अच्छा। हवा टकरा के ठंडी आती है, महल में एक दरगाह एक मंदिर दोनों साथ है अंदर ही। हाँ जी, इसे नौ रतन कोठारी ने अभी लीज पे लिया, इसका भी मेंटेनेंस चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तो यहाँ रेस्टोरेंट बनेगा या रिसोर्ट बनेगा, बोटिंग के द्वारा घूमना होगा। और जयपुर में बारिश थोड़ी कम होती है, यहाँ पीने का पानी भी 165 किलोमीटर बिसलपुर से आता है, पहले टैंकरों से और कुएं का पानी, बिल्कुल बारिश का पानी, सिटी का सारा पानी इसमें ही जमा होता है। okay. तो अभी ये बाहर से देखने का होता है, तो अभी आपने देख लिया, इसके बाद नेक्स्ट अपन चलेंगे शूटिंग गार्डन। शूटिंग गार्डन वहाँ पे कई मूवीज की शूटिंग हुई, आप बता रहे हो 45 मूवी की शूटिंग हुई है। हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिर कनक बाग राधा बाग शूटिंग प्लेस है। इसे बोलते हैं कनक घाटी। अच्छा। कनक घाटी पहले राजा के समय कहते थे महल था, ये सवाई जयसिंह जी का, उन्होंने अपनी बहन के लिए बनाया था 1707 में वृंदावन से, यहाँ मूर्ति लगा रखी राधा कृष्ण जी की। ओके, यहाँ मंदिर भी ऊपर जी, जी वो फ्लैग लगा हुआ है ना, राधा महादेव जी की मूर्ति रखी 1708 में नकवर जी की। बीच में गार्डन है, ये घूमने के लिए आते थे, घूमने के लिए बनाया गया था, ये रास्ता नहीं हुआ करता, इस गेट के द्वारा जाया करते थे। ओके, यहाँ से राजा आते थे मतलब इस पैलेस से। तो इसका नाम रखा है कनक घाटी। कनक घाटी क्यों बोलते हैं, कनक बोलते हैं सोने को, घाटी बोलते हैं छोटे पहाड़ को, यानी इसका मतलब हो गया पहाड़ों के बीच में सोने जैसा मंदिर। ओके, लोकेशन अच्छा आता है, यहाँ काफी पिक्चरों की शूटिंग हुई है, जैसे लगभग यहाँ 40 से 45 मूवी की शूटिंग हुई है। कोई फेमस जैसे बेटा पिक्चर देखिए आपने, कोयल सी तेरी बोली गाना। अच्छा। हमने राई प्यार का, घूंघट की आड़ में दिलबर का। ओके। राजा पिक्चर देखिए, फूल मांगू ना बाहर मांगू, ऐसे काफी पिक्चरों की शूटिंग हुई है, इसलिए शूटिंग गार्डन के नाम से इसे जाना जाता है। तभी आप दर्शन कर सकना चाहो तो यहाँ से आप जूते चप्पल खोल के आप दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सिटी घूम रहे हैं ये ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी राजाओं की सिटी है। पिंक सिटी 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह जी ने पिंक कलर दिया था, इसके 8 गेट बनाए गए थे वो सिटी के आ रहे थे, तो उसके उसमें ना अल्बर्ट प्रिंस इंग्लैंड के राजा आए थे, उनके आने की खुशी में एक कलर देना था तो पिंक कलर दिया। पिंक कलर इतना फेमस हुआ तो गवर्नमेंट ने भी लागू कर दिया, पिंक खत्म हो गया, पहले गवर्नमेंट करा के देती थी, अब लोगों को कराना पड़ता है कंपलसरी है वहाँ कराना, तो कोई डार्क कोई लाइट ऐसे करा देता है। अब तो रास्ते में तो नहीं दिखा, पिछले बार आया था ना, गेट के अंदर जाओगे ना, जैसे सिटी के अंदर घुसोगे ना मेन हवा महल के सामने चोर आए थे। अच्छा, वो सारा कलर पिंक रहेगा। ओके, और वो कंपलसरी है, वो कंपलसरी है, तभी लोग गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। ओके, ये कलर आप सब्जियों से लेते हो जी? ये सारे ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, मतलब सभी तरह की चीज़ें यूज होती है इसमें, जरूरी नहीं कि सब्जियाँ ही, जैसे लाल रंग होता है ना वो कच्ची सुपारी, इमली के बीज और गन्ने के रस से। फैब्रिक पे है ये सभी चीजें? फैब्रिक, खाली फैब्रिक पे। तो ये फिर पक्का रहता है ये कलर, जैसे आप कह रहे सब्जियों का है ये? बिल्कुल परमानेंट प्रिंट होती है। तो परमानेंट कैसे रह सकता है फिर ये, इसमें क्या मिक्स किया जाता है फिर ऐसा? देखो आप दिखाता हूँ आपको, वॉश करके भी दिखाऊंगा आपके लाइव।
फर्स्ट ब्लॉक होता है जो फैब्रिक पे आउटलाइन डालता है। अच्छा, इसमें अंदर 3 से 4 रंगों की प्रिंट होती है, इसमें इसका सप्लीमेंट्री होता है। बट ये फिर फिक्स सब्जियों का कलर फिक्स कैसे हो जाता है इसमें? इसमें कुछ केमिकल और मिक्स किए जाते हैं फिर? देखो ये प्रिंट हो गया ना, ये प्रिंट हो गया फिर ये डाई प्रोसेस में आता है। पहले इसकी वॉश होती है, धुलाई होती है, वॉश होके फिर ये डाई होता है। अभी तो गीला है, इसको सूखने के बाद में फिर ये डाई होता है। ये डाई होती है इसकी रेड कलर की, लाल रंग की डाई होती है, इससे जो है कपड़ा ये डाई होता है। ये प्रिंटिंग एज इट इज रहती है और कपड़ा डाई होता है। मतलब ये जो कलर है उसके ऊपर ये रेड कलर नहीं आएगा नहीं। जो आपने ये वो किया है अंदर जो है ये ही चीज मिलेगी आपको बनी हुई। अच्छा, बनी बनाई बंधेज भी और सब चदरे वगैरह सब मिलेंगे? निकलेगा नहीं है, ये फैब्रिक की है ना। हमने वो देखी ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती है, मतलब नेचुरल कलर से कलर बनाया, उस पर ब्लॉक किया, प्रिंट किया और देन कलर किया, तो कलर उसके ऊपर नहीं चढ़ा। और मतलब आसपास वाले जो भी मतलब वाइट कपड़ा था उसके ऊपर डाई लग गई। अभी रात का टाइम हो गया, जहाँ जहाँ लाइटिंग होगी वहाँ अच्छी बन जाएगी वीडियो, बट लाइटिंग नहीं है तो अभी ऐसे बन रही है। और इतनी प्यारी मोर की आवाज़ आ रही है यार, मुझे कहीं तो दिख जाए। और बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है, मतलब बहुत अच्छा मतलब एरिया है ये। और यहाँ पे पूजा होने वाली है तो हम जरा ऊपर चलते हैं, देखते हैं दर्शन। जो राजा जी ने अपनी बहन के लिए मूर्ति मंगवाई थी कृष्ण जी की, राधा जी की। अच्छा, उतारे हैं चप्पल? हाँ, यही उतारना है। पुरानी मूर्ति थी वो हमने देख ली है। ये चीज़ें ना हमें पता नहीं है, ये जो भैया लोग हैं यहाँ पे आए हम, तो ये भैया लोग जो है मिले और इन्होंने ये चीज़ें बताई, तो तभी जाके पता चला कि भाई ऐसी चीज़ें भी है। ठीक है, मतलब देखने आप अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ब्लॉक प्रिंट्स वाली चीज़ें लेते हो, बट होती कैसे है वो एटलीस्ट देखने को मिली है। तो अभी हम लोग वहाँ से आ गए हैं, फिर देख लो अल्बर्ट म्यूज़ियम। अंदर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये रात को बाहर से ही अच्छा लगता है, और दिन में अगर आप बाहर से देखोगे आप सोचोगे पता नहीं क्या है, बट अगर आप बाहर से रात में देखते हो ना तब पता चलता है। मैं दिखाती हूँ, ये अल्बर्ट म्यूज़ियम। और कॉन्टीन्यूसली जो है इसकी लाइटिंग जो है चेंज होती रहती है। अंदर इसमें खास कुछ नहीं है, कुछ जैसे वेपन्स वगैरह हैं वो हैं, और कोई कितने 300 साल मतलब पता नहीं कितने साल पुरानी जो है मम्मी इसके अंदर है, तो बस वही है इसके अंदर। म्यूज़ियम टाइप का ही है ये भी, अल्बर्ट म्यूज़ियम ही है। और अंदर इसके बस वो जो वेपन्स वगैरह है सिर्फ वही हैं, बट जो मज़ा इसको बाहर ऐसे देखने का है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब इसकी जब लाइटिंग जो कॉन्स्टेंटली कॉन्टीन्यूसली ऐसे चेंज होती रहती हैं वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ मसाला चौक पे। बहुत सारा अलग अलग फूड मिलेगा, राजस्थान का फूड मिलेगा, बट वैसे अलग फूड भी मिलेगा। बट यहाँ पे प्रवेश करने की एंट्री 10 रुपीज़ पर हेड, 10 रुपीज़ पर व्यक्ति जो है यहाँ पे। खाना खाने के लिए भी 2 पैसे, खाना खाने के तो 2, अंदर एंट्री करने के भी 2 पैसे। ये है मसाला पॉइंट, जहाँ पे अलग 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 पॉइंट्स है खाने के, प्लस आप जो है आराम से बैठ के यहाँ पे अच्छे से आप खाना खा सकते हो। एक सबसे पहले एक पॉइंट देखा है, सामने है गुलाब जी चाय वाले, बहुत फेमस है इनके। अच्छा। यहाँ पे बड़ी सारी शॉप्स भी हैं चाय की, पूरे जयपुर। हाँ, यहाँ इधर फेंक दो उसमें। तो अभी 2 चीज़ें आई हैं, वो आई है सिर्फ दाल रोटी, और यहाँ पे आया है बाटी, दाल बाटी चूरमा। ये कड़ी है जो हमेशा मिलती है, बेसन वाली कड़ी है ये 2, ये 3 बाटी है,
और इसके साथ ये चटनी है और ये मिर्च का अचार है और ये वो है दाल है। ये पता नहीं शायद चूरमा की जगह इन्होंने लड्डू बनाया है, वो लड्डू दिया है। पापड़ का होता है उसको तो दाल मिलती है वगैरह, यहाँ नहीं है वो, यहाँ नहीं फेमस है। मतलब बाटी हो गया, ये आया कांजी वड़ा, चूरमा नहीं दिया है, ये दाल बाटी है, ये चूरमा है, लड्डू है ना, मैं वही देख रही हूं। टिपोरे, मम्मी इसको कहते हैं टिपोरे अचार को, ये जो मिर्च का अचार है ना इसको कहते हैं टिपोरे, ये है कड़ी, ये है दाल, उसमें डुबो वो तो। ये दो प्लेन है और ये वाली मसाले वाली है। अच्छा तो जी मैं सोन मसाला डोसा आ गया और मेरे चावल छोले आ गए और मैंने थोड़ा टेस्ट करके देखा यार बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस पॉइंट पे मसाला पॉइंट पर आप जयपुर में जब आपको अच्छा फूड खाना ना तो यहाँ आ सकते हो यार, एक से एक नंबर का फूड मिलता है और एकदम मज़े वाला। डोसा खा लिया, दाल बाटी खा लिया, लास्ट में फलूदा बनता है और राजस्थानी का फलूदा वैसे ही थोड़ा फेमस है तो सोचा लास्ट फलूदा भी ट्राई किया जाए यार। और हम सब ने चाय पी लिया तो हम लोग देखेंगे इसको, ये बात कौन बोलेगा, यही तो मज़ा है सबको चिढ़ाने का। और सीरियसली फलूदा सही यार, सारे फलूदा की तरफ देख रहे हैं भैया, मेरे फलूदा मत देखो सारे, मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं हालांकि चाय पी चुकी हूँ लेकिन कोई बात नहीं, दांत कड़कड़ाएंगे कोई बात नहीं। चल ओए अच्छा छोड़ गिर जाएगी, अबे चोर है यार ये, अब मेरा सारा फलूदा तो खा जाएगी, इसका दिल कर गया, खा गया क्या हो गया इसका दिल करे, मैं अब मैं क्या करूँ बता, अब मेरा चाय पी हुई है, मैं सोचा फलूदा अकेला खाऊंगा, खा लूँ अब। हाँ मारो ग्लास में हाथ साइड हो। जीवन में सुख दुख आधा आधा, फलूदा आधा आधा। अब हम लोग आ गए हैं वहाँ से मसाला चौक से, थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लिया तो जाके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं भाई, कल के जागे हुए, सिर्फ कल के 3 घंटे सोए हुए हैं और वाट लग गए कमर की भी और पैरों की भी। अभी है सुबह उठना है 7:30 बजे और फिर हमारा ब्रेकफास्ट है, देन हम लोग यहाँ से चेकआउट कर देंगे भाई, फिर उसके बाद पूरा दिन हम घूमेंगे मतलब आधा दिन, एंड देन हम लोग बैक टू नोएडा। ठीक है चलो भाई, आज का दिन मस्त था एंड आई होप आपने भी हमारे साथ अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर की हो, आपको भी शायद कुछ नया अगर आपने जयपुर में आए हो नहीं देखा है तो आप ज़रूर बताना कि कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या ऐसा नया देखा, क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें नहीं देखी मतलब यहाँ पे जो मैंने कभी नहीं देखी थी, मतलब लोगों ने मतलब जो बताई यहाँ पे, तो आप बताना कि क्या अच्छा लगा, ठीक है क्या डिफरेंट देखा आपने जो पहले कभी जयपुर में नहीं देखा। तो हम मिलते हैं दूसरे दिन में, तो बाय बाय।